हाय गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग दी मॉक टेस्ट। इस नेट को लेकर के रफली 25 to 30 डेज रिमेनिंग, सो इट्स अ हाई टाइम टू फोकस मोर ऑन दी मॉक टेस्ट। दैट इज व्हाई वन मॉक टेस्ट यू हैव टू राइट ऑन डेली बेसिस। एक मॉक अपने को रोज लिखना है। दिस इज व्हाट द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। एंड द थिंग्स व्हिच आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो, स्ट्रेटजी हाउ टू प्लान योर मॉक टेस्ट टू इंप्लीमेंट द सेम इन योर प्रिपरेशन एंड द मॉक। सो वेरी फर्स्ट, दोज हु हैव नॉट येट जॉइन द मॉक टेस्ट, फटाफट जाके manuvideo.com/testentrance पे जाके मॉक प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। 25 फुल लेंथ मॉक प्रोग्राम वी हैव लॉन्च दिस ईयर और 10 आपका सेक्शनल कोर्स है। दूसरा भी प्रोग्राम इसके अंदर 10 फुल लेंथ मॉक है। डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन यू कैन गो फॉर द मॉक प्रोग्राम, बट 25 मॉक टेस्ट आई रिकमेंड। जितना मॉक लिखे रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा और 40 से 50% जो प्रिपरेशन होगी आपके मॉक से हो जाएगी, बिकॉज 25 मॉक है आपके पोर्टल पे। इनटू 2500 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यही क्वेश्चन को दो बार अच्छे से एनालाइज कर लो अच्छे से, एंड डू लुक एट द सॉल्यूशन आल्सो, एंड कौन से सेक्शन में अपन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्शन में अपने को प्रॉब्लम है, ऑल दीज पैरामीटर्स यू हैव टू वर्क आउट। सो 25 से 30 डेज रिमेनिंग है, तो एक मॉक अगर एक दिन में भी लिखोगे तो 25 डेज में आपका मॉक फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के लिए रिवीजन रखना वुड बी मोर एडवाइजेबल। एग्जाम के एक दो दिन पहले तो मॉक लिखना आपको बंद ही करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। सो दोज यू हैव डन विद दियर प्रिपरेशन और हाफ वे ऑफ दियर प्रिपरेशन, एक मॉक डेली का लिखना चालू कर दो विदाउट फेल। सो दोज यू थिंक मॉक स्कोर इज द प्रॉब्लम, मॉक में मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉट डन विद माई प्रिपरेशन तो मॉक में कैसे लिखूँ, नॉट येट स्टार्टेड माई प्रिपरेशन तो मॉक में कैसे लिखूँ, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन तो पहली बात कभी नहीं होने वाली है। तो साइमल्टेनियसली आपको प्रिपेयर भी करना है और मॉक भी लिखना है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट इन टू द TASS, तो अभी ये मेहनत करने का टाइम आ गया है। ओके, और GK को लेकर के डेली वर्कआउट तो करना ही आपको, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। सो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू अबाउट द सीजन 2 फास्ट ट्रैक बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of January। तो दीज आर द करिकुलम ऑफ द बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास, ई बुक्स, 10 फुल लेंथ मॉक एंड इंटरव्यू। Those who have not yet joined this fast track batch, this is what the number, you can contact our team or else directly you can Google Pay and enroll for the batches. This you can fill the Google form link given in the description and our team will get back to you. So this will be the last batch for TISNET 2022. Iske baad koi batch nahi aayegi guys. So get prepare yourself for the final battle which is on 26th of Feb ko aapka exam hai. So get ready for this. Alright, so once you join the mock program, just click on the mock test program. इस पर आप क्लिक करोगे तो this is how your portal will open. इसको लेकर there are sectional test, English, maths and GK को लेकर के, उसके बाद आपका full length mock चालू हो जाएगा, mock 1, mock 2, mock 3, mock 4, 5, 6. तो अभी तक 22 mock launch हो गए हैं, 3 more mock test will launch very soon. तो पर वीक 1-1 मॉक आपके बकेट में ऐड होते जाएंगे। तो काइंडली स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट मॉक टेस्ट फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड। अगर आपका मॉक लिख के हो गया तो आगे का मॉक लिखना चालू कर दो। तो बट सो पर डे यू हैव टू राइट वन मॉक टेस्ट एंड डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट एज वेल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक के अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपने मॉक के स्कोर को लेकर के। सो योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द मॉक स्कोर शुड बी लाइक दिस, या तो मैं टेस्ट में टॉप करूंगा इधर आई विल बी हिटिंग 80+ का स्कोर। ये एटीट्यूड लेके चलोगे देन यू विल बी नियर टू योर गोल, नियर टू योर टारगेट। सो व्हाइल यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट यू हैव दिस एटीट्यूड कि मेरा ये स्कोर आने वाला है एंड डेफिनेटली आई विल बी क्रैकिंग TISNET 2022 विद गुड स्कोर। ऑल्सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मॉक स्कोर प्रोग्रेस, तो हर सेक्शन को लेके एनालिसिस आपको इस तरह से करनी है। मॉक 1 अगर आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मॉक 1, देर आर 3 सेक्शन, 1 इज द क्वांट, देन देर इज अ GK एंड इंग्लिश। ठीक है, तो क्वांट के अंदर कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है टॉपिक, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जो टॉपिक आपका ओके है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 45 सेकंड्स के अंदर या और 45 से 50 सेकंड्स के अंदर आपका सॉल्व हो रहा है, तो वो आपका ओके टॉपिक है। लेट्स से मैंने एवरेज ले लिया, ये टॉपिक मेरा एवरेज है। जो टॉपिक वीक है जिसमें 60 सेकंड या उससे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो आपका वीक टॉपिक है। लेट्स से मैंने नंबर सिस्टम ले लिया, ओके सिस्टम। एंड फाइनली द टॉपिक विच यू डोंट लाइक टू सॉल्व, जो टॉपिक आप हेट करते हो, लेट्स से ज्योमेट्री, तो उसको ऐसा लिस्ट करो। तो जो मेरा क्वांट का सेक्शन है वो इस तरह से सेग्रीगेट हो जाएगा। सारे टॉपिक मुझे पता होंगे कि मेरे स्ट्रांग वाले टॉपिक कौन से हैं, मेरे ओके वाले टॉपिक कौन से हैं, वीक एंड हेट। तो करना क्या, अपने को जितने भी ओके वाले टॉपिक है उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रांग में, और जितने भी वीक वाले टॉपिक हैं उसको आपको ओके में कन्वर्ट करना है, और हेट वाले जो टॉपिक है उस पर अगर वर्कआउट करने को जमता है तो ठीक है, अदरवाइज को वीक तक कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो टॉपिक लगता है कि बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं हो पाएगा, तो उसको लीव कर दो। लाइकवाइज यू हैव टू डू फॉर द GK एंड इंग्लिश। ये चार्ट अगर आपका प्रिपेयर होगा, सो ट्रस्ट मी नो वन कैन स्टॉप यू टू विन द बैटल। इससे आपको आपका वीकनेस पता होगा
और आपका स्ट्रेंथ पता होगा, और आपको पता होगा कौन से डायरेक्शन में मुझे काम करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इट सो दैट्स ऑल दिस वीडियो गाइज, डू राइट द मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस एंड टॉपिक टेस्ट इज ऑल्सो देयर, इफ यू हैव डन विथ योर टॉपिक देन टॉपिक टेस्ट ऑल्सो यू कैन राइट। फुल लेंथ तो अपने को एक मॉक अभी प्लानिंग में ले लेना है। एंड दोज हु वांट टू जॉइन अस फॉर 2022-23 बैचेस, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। एंड क्लासरूम कोचिंग ऑल्सो वी हैव लॉन्च एट मुंबई, बोरीवली, वसई एंड दादर, सो दीज आर द रेस्पेक्टिव नंबर यू कैन कॉल। सो ऑल द लिंक विद रिगार्ड्स टू द प्रोग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। बेस्ट विशेस फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।